सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी गुरु यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा SCC वर्सेस MECC के भी जो फ्रेंड्स मैच खेला जाएगा, इसका मैं आपको डिटेलमेंट टीम देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अपनी टीम क्रिएट कर पाएँ। बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की, तो इस मैच में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा वो मैं देने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि काफ़ी अमाउंट विन कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की वेन्यू की, तो ये बेलगाम ओवल में मैच खेला जाएगा जहाँ की पिचेस ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहती है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों का ही सपोर्ट करती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसा फर्स्ट इनिंग की एवरेज स्कोर की, तो 95 के आसपास रहने वाला, वहीं सेकंड इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करते हो तकरीबन 82 के आसपास रहने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे इस मैच की प्लेइंग 11 की, तो फ्रेंड्स प्लेइंग 11 की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जब कोई इस मैच से रिलेटिव कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज़ होता है तो डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाता है, साथ ही साथ आपको जो है लाइनअप आउट होने के बाद टीम भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। बात करते फ्रेंड्स ऐसे SCC की प्लेइंग 11 की, तो देखिए हरजोत सिंह और गुरनाम सिंह ये दोनों ओपन कर दो नजर आएंगे SCC की तरफ से। दोनों के अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो काफी अच्छा खासा फॉर्म में चल रहे हैं। अगर आप ऐसे हरजोत सिंह की बात करेंगे तो 21 मैचेस के लिए अभी तक 843 रन के आसपास स्कोर करके दिए। विकेट की बात करते हैं, विकेट भी अपनी टीम के लिए 8 विकेट निकाल के दिए, काफ़ी शानदार प्लेयर है। अगर आप यहाँ देखें फ्रेंड्स इनका एवरेज स्कोर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इनका एवरेज स्कोर जो है 40 के आसपास का, यानी फ्रेंड्स हर मैच में जो 40 के आसपास जो स्कोर अपनी टीम के लिए बना के दे रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकती है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। साथ ही साथ थोड़ी बहुत पार्ट टाइमर गेंदबाजी भी करके दे देते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं गुरुनाम सिंह की बात करें तो ये भी 14 मैचेस के लिए जिसमें कि तकरीबन 421 रन के आसपास स्कोर करके दिए। विकेट की बात करते हैं, विकेट भी अपनी टीम के लिए 5 निकाल के दिए। हालांकि अगर आप इनका एवरेज स्कोर देखेंगे थोड़ा सा कम जरूर है, ऑलमोस्ट मतलब 35 से 35 के आसपास का जो है इनका एवरेज स्कोर है, यानी फ्रेंड्स हर मैच में 35 से 35 रन करके बना के दे रहा है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे क्योंकि ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 पे आपको जो सेनवारी खेलते हो नजर आएंगे जो कि अभी तक टोटल 21 मैचेस के लिए जिसमें कि 429 रन बना के दिए। अच्छे खासे प्लेयर है, अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि इनका एवरेज स्कोर थोड़ा कम जरूर है लेकिन प्लेयर काफ़ी तगड़े हैं, एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है। अगर आप एक्सपीरियंस के बेस पर जाना चाहते हैं तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर लीजिएगा। नंबर 4 पे आपको जाकी शाह खेलते हो नजर आएंगे, अभी तक 58 मैचेस खेले हैं जिसमें कि 2097 रन बना के दिए। अगर आप विकेट की बात करते हैं तो विकेट भी अपनी टीम के लिए तकरीबन 75 विकेट निकाल के दिए। फ्रेंड्स ये ऐसे प्लेयर जो कि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करते नजर आएंगे, मैक्सिमम आपको पूरे दो ओवर बॉलिंग करते नजर आएंगे। बैटिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड बैटिंग भी आपको टॉप ऑर्डर में करते नजर आ जाएंगे, तो अगर आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इनका एवरेज स्कोर देखेंगे तो इनका भी एवरेज स्कोर जो तकरीबन 35 के आसपास कर रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं नंबर 5 की, तो आप नंबर 5 पे आपको जो हसन शाह खेलते नजर आएंगे, अभी तक टोटल 27 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें कि 281 रन बना के दिए, साथ ही साथ अपनी टीम के लिए 8 विकेट भी निकाल के दिए। हालांकि अगर आप इनका एवरेज स्कोर देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट जो 11 या 12 के आसपास का एवरेज स्कोर है जो कि उतना कोई खासा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इनका बॉलिंग से देखेंगे तो बॉलिंग से भी जो अपनी टीम के लिए तकरीबन 8 विकेट निकाल के दिए, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बोलूंगा कि फिलहाल अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आप इनको अपनी टीम से अवॉइड कीजिए, अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे हो तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे। बाकी नंबर 6 की बात करते हैं तो आप ऐसे हरनाम सिंह को ट्राई कर लीजिए, बहुत अच्छा अच्छे खासा ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं, अभी तक टोटल 26 मैचेस खेले जिसमें कि 548 रन के आसपास स्कोर करके दिए। विकेट की बात करते हैं तो विकेट भी अपनी टीम के लिए 1 निकाल के दिए। हालांकि ये ज़्यादा आपको बॉलिंग करते हो नजर नहीं आएंगे लेकिन बैटिंग काफ़ी शानदार करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स एक बात आपको और ध्यान रखना, हो सकता है कि हरनाम सिंह को नंबर 5 में बैटिंग लाया जा सकता है क्योंकि यहाँ से देखिए हसन शाह उतना कोई खासा फॉर्म में है नहीं, तो हो सकता है कि इनको नंबर 6 पे कर दिया जाए और हरनाम सिंह को नंबर 5 पे बैटिंग कराया जा सकता है। नंबर 7 पे आपको जो करम मिर्ज़ा खेलते हो नजर आएंगे, अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो 44 मैचेस खेले जिसमें कि 568 रन बना के दिए, 1 विकेट अपनी टीम के लिए निकाल के दिए, उतना कोई खासा इनका परफॉर्मेंस है नहीं, तो फिलहाल आप इनको अपनी टीम से अवॉइड कर दीजिए। नंबर 8 पे आपको सरजीत सिंह खेलते हो नजर आएंगे, अभी तक टोटल 49 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें कि 694 रन के आसपास स्कोर करके दिए। विकेट की बात करते हैं तो विकेट भी अपनी टीम के लिए 23 निकाल के दिए। हालांकि बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करते थे, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं लेकिन बैटिंग से उतना कोई खासा इनका परफॉर्मेंस हुआ नहीं, अगर आप इनको अपनी टीम में ट्राई करें तो एज ए बॉलर के तौर पे ट्राई करें तो आपके लिए बेस्ट होगा।
नंबर 9 पे आपको जसपिंदर सिंह खेलते नजर आएंगे, 36 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं जिसमें कि 352 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं तो विकेट भी अपनी टीम के लिए तकरीबन 61 विकेट निकाल के दिए, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे क्योंकि देखिए बैटिंग से भले ही फॉर्म में हो या ना हो लेकिन बॉलिंग से काफ़ी अच्छा खासा फॉर्म में चल रहे हैं। लगभग इनका अगर आप बॉलिंग देखेंगे तो बॉलिंग एवरेज देखेंगे तो हर मैच में 1 से 2 विकेट करके निकाल रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना। नंबर 10 पर आपको निशांत सिंह खेलते नजर आएंगे, तकरीबन 56 मैचेस के लिए, ये भी 61 विकेट अपनी टीम के लिए निकाल के दिए, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। वहीं नंबर 11 पे आपको जो है राजा रमन खेलते नजर आएंगे, 47 मैचेस खेल चुके अपने टीम के लिए जिसमें कि अपने टीम के लिए 67 विकेट के आसपास जो निकाल के दिए, अगर आप चाहें तो इनका भी अपनी टीम में ट्राई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स MECC की प्लेइंग 11 की। तो फ्रेंड्स MECC की प्लेइंग 11 की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग जो ड्रीम इलेवन पर बहुत सारे लॉस करें और कोई ऐसी यूट्यूब चैनल खोज रहे जिससे कि आपको अर्निंग करके काफ़ी अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो तो आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं ऐसी ऐसी अर्निंग ऐप के बारे में बताता हूँ जिससे कि आप काफ़ी अच्छा अमाउंट विन करेंगे और उस अमाउंट को जो है आप ड्रीम इलेवन पे डिपॉजिट करके आप काफ़ी अच्छा मतलब लीग्स वगैरह लगा के आप अच्छा खासा ड्रीम इलेवन पे भी विन कर सकते हो। तो अगर आप चाहे तो हमारे जो है सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स MECC की प्लेइंग 11 की। तो देखिए MECC की तरफ से जजई करम और इशाउल्ला उमजाई ये दोनों जो है ओपन करते नजर आएंगे। दोनों के अगर रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं। तकरीबन जजई जो है अभी तक टोटल 35 मैचेस खेल चुके जिसमें कि 474 रन के आसपास स्कोर करके दिए। हालांकि जिस टाइप के प्लेयर है उस टाइप से इनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ, अगर आप इनका एवरेज स्कोर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12 से 15 के आसपास का एवरेज स्कोर है जो कि उतना कोई खासा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। इशाउल्ला की बात करते तो ये 77 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें कि 1217 रन के आसपास स्कोर करके दिए। अगर आप इनका इसको एवरेज स्कोर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इनका एवरेज स्कोर भी जो 15 के आसपास कर रहा है। और विकेट की बात करते तो विकेट भी अपने टीम के लिए 31 विकेट निकाल के दिए, थोड़ी बहुत पार्ट टाइमर गेंदबाजी करके दे देते तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप दो में से किसी एक ओपनर के साथ जा रहे तो मैं बोलूँगा कि आप इशाउल्ला को अपनी टीम में ट्राई कीजिए क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करते हैं। लेकिन वहीं जसई की बात करें तो ये सिर्फ आपको बैटिंग से ही पॉइंट करके देंगे, बॉलिंग करते हैं नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 पे आपको यार मोहम्मद खेलते नजर आएंगे, अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो 64 मैचेस खेले जिसमें कि 1734 रन बना के दिए। साथ ही साथ विकेट की बात करते हैं तो विकेट भी अपनी टीम के लिए 12 निकाल के दिए, तो अगर आप चाहें तो इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इनका एवरेज स्कोर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इनका एवरेज स्कोर जो है तकरीबन 15 से 17 के आसपास का रहा, तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी की फिर बात कर रहे हैं नंबर 4 की तापिस के मतलब के चामा को ट्राई कर सकते हैं, अभी तक टोटल 79 मैचेस खेल चुके जिसमें कि 2582 रन के आसपास स्कोर करके दिए। विकेट की बात करते हैं तो विकेट भी अपनी टीम के लिए तकरीबन 53 विकेट निकाल के दिए, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इनका एवरेज स्कोर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास का एवरेज स्कोर है, यानी फ्रेंड्स हर मैच में जो तकरीबन 30 रन करके बना के दे रहे। साथ ही साथ विकेट की बात करते हैं तो विकेट भी अपनी टीम के लिए 53 विकेट निकाल के दिए, तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। नंबर 4 पर आपको मोहम्मद इस्लाम खेलते नजर आएंगे, 100 मैचेस अभी तक खेल चुके जिसमें कि 1661 रन बना के दिए। साथ ही साथ विकेट की बात करते हैं तो विकेट भी अपनी टीम के लिए 142 विकेट निकाल के दिए, अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इनका एवरेज स्कोर देखेंगे तो 16 के आसपास का एवरेज स्कोर है। साथ ही साथ विकेट की बात करें तो विकेट भी जो अपनी टीम के लिए तकरीबन हर मैच में 1 से 2 विकेट के आसपास जो निकाल के दे रहे हैं, अगर आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे तो भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे तो भी इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी डिफेंड बात कर रहे थे आप ऐसे सारा तिजेंद्रा को ट्राई कर सकते हैं, अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो 60 मैचेस खेले जिसमें कि 853 रन बना के दिए, उतना कोई खासा तो इनका परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर लीजिएगा। नंबर 7 पे आपको मुजीब खान खेलते नजर आएंगे, 21 मैचेस खेल चुके जिसमें कि 317 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं तो विकेट अपनी टीम के लिए 3 निकाल के दिए, हालांकि ज़्यादा इनका मतलब बॉलिंग से परफॉर्मेंस हुआ नहीं है। अगर आप इनको अपनी टीम में लेके जा रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बैट्समैन के ही तौर पर लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा बॉलिंग करते हैं नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं नंबर 8 की बात करें तो आप इसे डेन इस्लाम को ट्राई कर सकते हैं, 79 मैचेस के लिए जिसमें कि 1226 रन बना के दिए। साथ ही साथ अपनी टीम के लिए 50 विकेट भी निकाल के दिए। फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान देना, अगर आप इनको अपनी टीम में ट्राई करो तो एज ए बॉलर के तौर पर ट्राई करें क्योंकि इनको बैटिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई कन्फर्म रहने वाला है नहीं, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग से पॉइंट देंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर आप इनको ट्राई करें तो एज ए बॉलर के ही तौर पर ट्राई करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी फ्रेंड्स नंबर 9 की बात करें तो आप इसे मलिक जई अमूल को ट्राई कर सकते हैं,
अभी तक टोटल 16 मैचेस के लिए जिसमें 193 रन बना के दिए। विकेट की बात करते तो विकेट भी अपनी टीम के लिए 16 निकाल के दिए। वहीं नंबर 11 की बात करते तो आप इसे मेवांडा को ट्राई कर सकते हैं, 32 मैचेस के लिए 38 विकेट निकाल के दिए। उतना कोई खास इनका परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन फिर भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। नंबर 11 की बात करते तो आप इसे दिलीप सिंह को ट्राई कर सकते हो, जो कि 9 मैचेस के लिए अपनी टीम के लिए 12 विकेट निकाल के दिए हैं। अब बात करते हैं फिर से इस मैच की कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो देखिए आपके पास टोटल 3 ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, जिसमें कि आप जी सिंह को बना सकते हैं, एस शाह को बना सकते हैं और एम इस्लाम को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये 3 ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, आप इन तीनों में से किसी को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन दे सकते हैं। तो अब चलते अपने ड्रीमैन टीम की तरफ, जहाँ की मैं आपसे के लिए पहले से टीम बना के रखा हूँ। तो फिर ड्रीमैन टीम की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अच्छी से अच्छी ड्रीमैन टीम बना सके। तो अब चलते अपने ड्रीमैन टीम की तरफ। विकेट कीपर सेक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, फिलहाल यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं के जजई को अपनी टीम में ट्राई करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले विकेट कीपर सेक्शन में। अगर आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकती है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इनसे चाहे तो एस सिंह को भी ट्राई कर सकती है, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे, ओपन करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम के लिए। अगर आप लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हैं। फिलहाल ऐसे में के जजई को अपनी टीम में ट्राई करो, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में बेस्ट ऑप्शन यही रहने वाले हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो फिलहाल ऐसे में 4 बैट्समैन के साथ जा रहा हूं, जिसमें कि जी सिंह सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले। साथ ही साथ आप ऐसे मजई को ट्राई कर सकती है, ये 2 ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी अगर आप 2 ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ से एस सिंह को भी ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ यही मतलब वाई मोहम्मद को ट्राई कर सकती है, ये दोनों भी ठीक ठाक ऑप्शन बन जाएंगे। इनके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि आप इसे सेनवारी को ट्राई कर सकते हैं, ये आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन बन जाता है। अगर आप चाहें तो इनको अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल लीग खेलें तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँगा कि यही 4 ऑप्शन के साथ जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो फिलहाल इसमें 3 ऑलराउंडर के साथ, जिसमें कि जेड शाह सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाले, साथ ही साथ एम इस्लाम को लेके जा सकते हैं। वही लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो आप इसे एस शाह को भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3-4 ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो आप इसे एन सिंह को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे अमुल्ला को ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन बन जाएंगे। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो आप इसे जो मुबशीर को ट्राई कर सकते हैं, ये 3 बॉलर के साथ में जा रहा हूँ, आप चाहिए तो अपने हिसाब से किसी अदर्स बॉलर को भी ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं ऐसे में एस सिंह को कैप्टन दे रहा हूँ, वाइस कैप्टन की बात करें तो ऐसे में जी सिंह को वाइस कैप्टन दे रहा हूँ। हालांकि आप चाहिए तो कैप्टन वाइस कैप्टन अपोजिट कर सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीम प्रूव की बात करते हैं तो फिर दे सकते हैं, ये मेरा टीम प्रूव है, अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी बहुत टीम चेंजेस करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।